तो दोस्तों सब्सक्राइब करें क्रिकेट फैन यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल के आइकॉन को, लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट पाए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट फैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल ऑक्शन 2018 में वो कौन से प्लेयर हैं जिन पर दिल खोल कर बैटिंग हुई है, यानी जिन पर दिल खोल कर टीम्स ने बोलियां लगाई है। तो दोस्तों अगर हम बात करें टॉप 10 की, तो टॉप 10 में नवी नंबर पर है रविचंद्रन अश्विन, जिसको किंग्स इलेवन पंजाब ने ख़रीदा है 7.6 करोड़ में। यानी CSK ने इस बार रविचंद्रन अश्विन को ख़रीदा नहीं, बल्कि किंग्स इलेवन पंजाब ने इस बार रविचंद्रन अश्विन को ख़रीदा। और अगर हम बात करें नवी नंबर की, तो नवी नंबर पर है केदार जाधव पर भी खूब बैटिंग हुई है और उसको CSK ने 7.8 करोड़ में ख़रीदा। दोस्तों अगर हम बात करें आठवीं नंबर की, तो आठवीं नंबर पर है संजू सैमसन पर शुरू से ही राजस्थान रॉयल ने बैटिंग की है और शुरू से उस पर दिल खोल कर खर्च की है, जबकि संजू सैमसन को 8 करोड़ ही मिले। अगर हम बात करें सातवीं नंबर की, तो सातवीं नंबर पर है मुंबई इंडियन की कुणाल पांड्या भी खूब बैटिंग हुई है और मुंबई इंडियन ने उसको RTM कार्ड के जरिए ख़रीदा 8.8 करोड़ में। दोस्तों अगर हम बात करें छठी नंबर की, तो छठी नंबर पर है पिछली बार खेलने वाले किंग्स इलेवन पंजाब के लिए ग्लेन मैक्सवेल पे 9 करोड़ रुपए खर्च किए हैं दिल्ली डेयरडेविल ने। दोस्तों अगर हम बात करें पाँचवीं नंबर की, तो पाँचवीं नंबर पर है अफगानिस्तान के लेग स्पिनर रशीद खान पर भी सनराइजर हैदराबाद ने RTM कार्ड की मदद से 9 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें चौथी नंबर की, तो चौथी नंबर पर है ऑस्ट्रेलियन के फास्ट गेंदबाज मिचेल स्टॉक पर KKR ने 9.4 करोड़ रुपए लुटाए हैं। और अगर हम बात करें मनीष पांडे की, तो मनीष पांडे को सिर्फ 11 करोड़ में सनराइजर हैदराबाद ने ख़रीदा। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरी नंबर की, तो दूसरी नंबर पर है केएल राहुल को भी किंग्स इलेवन पंजाब ने 11 करोड़ में ख़रीदा। अगर दोस्तों हम बात करें पहले नंबर की, तो पहले नंबर पर है बेन स्टॉक्स को राजस्थान रॉयल ने 12.5 करोड़ में ख़रीदा। दोस्तों ये थे 10 मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ IPL ऑक्शन 2018। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या अच्छी लगे, तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर दें। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आप लोगों को हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।